नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। किसान आंदोलन में 3 नए सहित 40 से अधिक किसानों की मौत। किसान आंदोलन खत्म होने के नाम नहीं ले रहा। बता दें, विरोध प्रदर्शन के कारण कई किसान अभी सड़कों पर जमे हैं। किसान आंदोलन को ठंड और बारिश भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 40 से अधिक किसानों ने अपनी जान दे दी है। बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 3 किसानों की मौत हो गई। यह जानकारी रविवार को पुलिस ने दी। उन्होंने बताया कि एक किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, एक अन्य किसान बुखार से पीड़ित था, जबकि तीसरा किसान की मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। JSSC में 750 पदों के लिए वैकेंसी। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे अनुदेशक अब प्रशिक्षण अधिकारी कहलाएंगे। इसी तरह मुख्य अनुदेशक अब मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी कहलाएंगे। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इस संशोधित नियमावली अधिसूचित कर दी है। बता दें, इससे लगभग 750 प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया है। संशोधित नियमावली के अनुसार प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से होगी। झारखंड के पारा शिक्षकों का 100 अभिप्रमाणित विवरणी समेत प्रमाण पत्र 30 मार्च तक ई विद्यावाणी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अप्रैल से उनका मानदेय रोक दिया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं देने वाले पारा शिक्षकों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। बता दें, 30 मार्च तक अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों का जिला स्तर पर 15 दिनों के अंदर सत्यापन कराने को कहा गया है। पारा शिक्षक 17 को घेरेंगे सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास। राज्य भर के पारा शिक्षक अस्थायीकरण तथा नियमावली की मांग को लेकर 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद सभी 24 जनवरी को मंत्रियों के आवास का घेराव करेंगे। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। बता दें, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इस आंदोलनात्मक कार्यक्रम को लेकर पारा शिक्षकों ने रविवार को प्रखंड में बैठक कर रणनीति तैयार की। नीलगाय के आतंक से परेशान है चतरा के किसान। चतरा के किसान में हाहाकार मचा हुआ है। उनकी फसलों पर नीलगायों के लगातार हमले हो रहे हैं। बता दें, अब तक 2000 एकड़ से ज्यादा में लगी रबी दलहन तिलहन और सब्जी की फसलों को या तो नीलगाय चर गई अथवा अपने पैरों से रौंद कर बर्बाद कर दी है। सबसे बड़ी विड़म्बना यह है कि वन विभाग वन्य प्रणाली से हो रहे इस नुकसान का महज तमाशबीन बना हुआ है। एक दिन में एक से अधिक शिक्षकों को नहीं दे अवकाश शिक्षा विभाग। सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। ऐसे में पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह एक दिन में एक से अधिक शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश नहीं देंगे। ऐसे में स्कूलों में पठन पाठन कार्य प्रभावित होता है, जिससे छात्रों को परेशानी होती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से ही कक्षाएं प्रभावित हुई है। वहीं प्रधान शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि उनके अवकाश के जाने पर वह अपना प्रभार वरीयता क्रम के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक को देकर जाएंगे। आज से झारखंड के कई इलाकों में बिजली बत्ती गुल। झारखंड में बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। बकाया पैसे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए सोमवार से DVC ने 300 मेगावाट बिजली की कटौती करने की घोषणा की है। ताजा घोषणा से रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और चतरा समेत DVC के कमांड एरिया में बिजली संकट गहरा सकता है। बकाया वसूली को लेकर DVC बिजली आपूर्ति में कटौती कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगले 6 दिन में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान 10.7 व अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान 12 व अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। बता दें, 9 जनवरी तक न्यूनतम व अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। झारखंड में 137 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 70, बोकारो 3, चतरा 1, देवघर 4, धनबाद 9, दुमका 1, पूर्वी सिंहभूम 16, गढ़वा 4, गुमला 5, हजारीबाग 4, जामताड़ा 5, कोडरमा 2, लातेहार 2, पाकुड़ 2, पलामू 4, रामगढ़ 1, साहिबगंज 1, पश्चिमी सिंहभूम 3 मिले हैं। झारखंड में कुल एक्टिव केस 1601 है, वहीं कुल मौतों की संख्या 1035 है। भारत में नए केस 16354 मिले हैं, जबकि कुल मौत 149680 है।
भारत में कुल एक्टिव केस 2,42,575 है। जैक बोर्ड 9वीं 11वीं की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी। झारखंड सरकार राज्य में अनलॉक की तरफ एक और कदम बढ़ाने जा रही है। इस बार 9वीं और 11वीं के स्कूलों के साथ कॉलेजों को खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। मुमकिन है कि कोचिंग संस्थानों को भी खोलने पर निर्णय लिया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को भेज दिया गया है। बता दें, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। बैठक का समय जल्द निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार का आदेश 31 दिसंबर तक के लिए लागू था। नए साल की पहली सोमवारी पर बाबा मंदिर में उमड़ेंगे शिव भक्त। नए साल का पहला सोमवार 4 जनवरी को है। पहले सोमवार को बाबा नगरी में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ेगी। सुलभ जलार्पण के लिए पानी, बिजली, सफाई, सुरक्षा व विधि व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। बता दें, पहली जनवरी को आम भक्तों के लिए बाबा मंदिर का पट खुलने से 50,000 शिव भक्तों ने बाबा की पूजा की थी। ऐसे में पहली सोमवारी पर भी 10,000 से 15,000 के आसपास भक्तों के आने की संभावना है। रांची में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या। झारखंड की राजधानी रांची में ओरमांझी पुलिस ने रविवार को जीराबार गांव के पलास पतरा जंगल से एक युवती की सिर कटी लाश बरामद की है। युवती का सिर खोजने के लिए दिन भर पुलिस छानबीन करती रही, लेकिन पता नहीं चला। युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे। ओरमांझी पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों को मौके पर बुलाकर शव दिखाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस आशंका जता रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद अपराधियों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। झारखंड में सरकारी नौकरियां, 25,000 शिक्षकों के साथ 1,60,000 सरकारी पदों पर बहाली। राज्य में सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। स्वरोजगारों के माध्यम से भी सरकार लोगों को नियोजित करने की तैयारी को आगे बढ़ा रही है। बता दें, सर्वाधिक पद शिक्षकों के खाली हैं और इसके अलावा पुलिस एवं अन्य विभागों में भी सैकड़ों की संख्या में नियुक्तियां होनी है। खबरों के अनुसार 25,000 शिक्षकों समेत 1,60,000 सरकारी पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। पलामू में 10 ट्रक पर लदे 143 पशुओं के साथ 15 गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। रविवार को एक बार फिर वाहन चेकिंग के दौरान पाकी पुलिस ने पशुओं से लदे 60 ट्रक को जब्त किया। इन ट्रकों पर 100 पशु ठुसे हुए थे। इसमें गाय, भैंस व बछड़े शामिल हैं। पशुओं को बिहार से जमशेदपुर लाया जा रहा था। पुलिस इस सिलसिले में एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर पलामू के पड़वा थाना इलाके में भी पुलिस ने देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान NH-75 पशु तस्करी के लिए ले जा रहे 3 ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 43 पशुओं को ले जाया जा रहा था। आज से खुल रहे प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की कड़ी नज़र। कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते असर के बीच झारखंड के शिक्षण संस्थानों को पहले से ही खोलने की हरी झंडी दे दी गई है। छात्र छात्राएं एवं अभिभावक इससे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। बता दें, सोमवार 4 जनवरी से यहां 10वीं और 12वीं की कक्षाएं के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख की घोषणा के बाद यहां प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। उधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी जल्द ही बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने वाला है। उधर राज्य सरकार की ओर से स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक यहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों में पर्याप्त उपाय किए जाने जरूरी है। छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल कार्रवाई के दायरे में होंगे। 4 जनवरी से अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में अनुबंध पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। 4 जनवरी को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, 5 जनवरी को कॉमर्स और 6 जनवरी को मैथ और कोटा विषय के लिए इंटरव्यू होना है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि साक्षात्कार के दौरान अपने साथ सभी ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, साथ ही प्रमाण पत्रों की एक सेट फोटोकॉपी रखेंगे। आज से खुलेंगे हाई कोर्ट। सर्दियों की छुट्टी के बाद झारखंड हाई कोर्ट की कार्यवाही सोमवार से शुरू होगी। बता दें, अभी सुनवाई वर्चुअल तरीके से ही होगी। ऑफलाइन सुनवाई कब से होगी, इस पर 5 जनवरी को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। वहीं 8 जनवरी को बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी जाएगी। जेल में बंद उग्रवादियों और अपराधियों के खिलाफ स्पेशल टीम करेगी जांच। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में बंद PLFI के उग्रवादी और बड़े अपराधियों के खिलाफ अब स्पेशल टीम जाँच करेगी।
एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने एक टीम का गठन किया है और इसमें विशेष पुलिस अधिकारियों को रखा है जो उग्रवादियों और अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामले की गंभीरता से जांच करेंगे। बता दें, पुलिस को लगातार सूचना मिल रही है कि जेल में बंद रहने के बाद उग्रवादी और अपराधी फोन कर लोगों को धमकी दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष से मिले मुख्यमंत्री सोरेन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो से उनके आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री की यह शिष्टाचार भेंट थी। मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से रुपए निकालने की प्राथमिकी दर्ज। गिरिडीह जिले में सरकारी धन के गमन का एक मामला प्रकाश में आया है। बताया गया है कि जल स्वच्छता समिति के चेक से मुखिया के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक से 4,60,000 रुपये की निकासी की गई है। इस संबंध में सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत जीतपुर के मुखिया झूना देवी की शिकायत पर मुफसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। झारखंड पुलिस के ट्विटर पर आए 7907 मामले में 7385 का निष्पादन। झारखंड पुलिस मुख्यालय के ट्विटर पर 7907 मामले आए हैं जिसमें 7385 मामले का निष्पादन किया गया है। ट्विटर से आने वाली शिकायत पर पुलिस मुख्यालय की ओर से संज्ञान लेकर संबंधित जिले के एसपी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया जा रहा है। बता दें, डीजीपी एमबी राव ने कई समस्याओं का ट्विटर पर ही आदेश देकर समाधान कर दिया है। एमबी राव ने डीजीपी पद का प्रभार संभालते ही सभी जिलों के एसपी, सभी रेंज के डीआईजी, सीआईडी और एडीजी को आदेश देते हुए कहा था कि ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाए। इस प्रोफाइल को सक्रिय करते हुए आम लोगों की समस्या को ऑनलाइन दर्ज कर कार्रवाई करे। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे। थैंक यू।